प्यारे बच्चों, मैं विजय गुप्ता, एसएस मास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनीवाला, शेख सुबान, जिला फाजिलका तो आप जी नू धरती दी सैर कराउन जा रहा हाँ। बेटा जी, सब तो पहला मैं आप जी नू दस दियाँ कि अपनी जो धरती है, धरती दे मॉडल नू असी ग्लोब कहते हाँ। और आ जो उपर है, ये उत्तर दिशा है, थले दक्षण दिशा है, आ वाला जो पासा है ये पश्चिम दिशा है, और इधर बेटा जी पूर्व वाला पासा है। हुन आप जिन्हें दसना है कि धरती दी घूमन दी दिशा की है। मैं बेटा जी धरती नु घुमाउन लग गया हाँ, और आप जिन्हें दसना है कि ये गलत है जा ठीक है। लो बेटा, की धरती इस तरह घूमती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल गलत है बेटा जी, क्योंकि ये जो धरती है अपने दिशा पूरब और ए पश्चिम, धरती पूरब तो पश्चिम वाले पासे नहीं घूमती, बल्कि पश्चिम तो पूरब घूमती है। हाँ बिल्कुल सही, इतों जो है पश्चिम दिशा तो शुरू होके धरती इस तरह जो है पूर्व वाले पासे जाती है। बेटा जी, धरती दे ऊपर जो जल भाग है वो 71% है आ सारा, और जो थल भाग है वो केवल 29% है। तो जल नू असी ग्लोब के ऊपर नक्शे के ऊपर नीले रंग नाल दिखाने हाँ, और ये जरा अपना भाग है ये धरत भाग है। और बेटा जी, मैं आप जी ये भी दस दियाँ कि धरती अपने संसार का सब तो वड्डा महासागर, सब तो वड्डा महासागर, सब तो डूंगा महासागर ये आप जी के सामने है। इसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है बेटा, और ये महासागर इन्ना वड्डा है कि जेकर असी धरती दे आ सारे महाद्वीप ये विच पा दिए तो ये डुब जाएंगे। तो इस तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि ये किन्ना वड्डा है। दूसरे नंबर ते बेटा जी, आ अपना इंडिया, अपना भारत तुसी देख रहे हो, और भारत दे थले जो महासागर है इसका नाम हिंद महासागर है। दुनिया का इको एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के दे नाम ते रखा गया है, क्योंकि अपने देश नू हिंदुस्तान भी कहते हैं। आ जो बेटा जी देख रहे हो ये अरब सागर और ये बंगाल दी खाड़ी। चलो आप महासागर के उपर चलते हाँ। तो सब तो पहले आप जी ने प्रशांत महासागर बारे देखा, और भारत के थले हिंद महासागर देखा, और हुण मैं आप जी नू लेके जा रहा हाँ अफ्रीका और अमेरिका के विचाले जो महासागर है इसका नाम बच्चों अंध महासागर है। आ वाला जो सारा देख रहे हो ये अंध महासागर है। और ये वापस फिर आप घूम के आ गए ये प्रशांत महासागर। हुण बेटा जी मैं आप जी नू महाद्वीपां बारे दसन जा रहा हाँ। आप जी ये तो जानते हो कि धरती के उपर 7 महाद्वीप हैं, पर वो 7 महाद्वीप केड़े केड़े हैं मैं बेटा जी आप जी नू दस रहा हाँ। आ देखो, सब तो जो वड्डा महाद्वीप है आ अपना एशिया महाद्वीप है। आ सारा जो अपना इलाका है जिदे भारत, चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, जापान वगैरह आते ने बेटा जी। ये जो सारा जो वो एरिया है ये एशिया महाद्वीप का है, दुनिया का सब तो वड्डा महाद्वीप। दूसरे नंबर ते बेटा जी आ वाला जड़ा महाद्वीप है ये दुनिया का दूसरा सब तो वड्डा महाद्वीप है, और नाम है एदा अफ्रीका महाद्वीप। कदे इसनों अंध महाद्वीप भी क्या करते सन। सो ये दुनिया का दूसरा सब तो वड्डा महाद्वीप। लो जी, इस तो बाद ये बेटा जी जो आप देख रहे हो उत्तरी अमरीका, नॉर्थ अमेरिका कहने आप इनू, उत्तरी अमरीका तीसरे नंबर ते है, तीसरा सब तो वड्डा महाद्वीप। और ये जो है
आवाला, दखनी अमरीका महाद्वीप। दखनी अमरीका महाद्वीप बेटा जी चौथा सब तो वड्डा महाद्वीप। और पंजवें नंबर ते जो महाद्वीप है वो ए वाला है, इसनों असी चिट्टा महाद्वीप भी कहते हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल दखनी ध्रुव दे लागे है और इतने बर्फ जमी रहती है। सो बर्फ का रंग चिट्टा होने के कारण ही असी इसनों चिट्टा महाद्वीप कहने हाँ, पंजवां सब तो वड्डा महाद्वीप। छेवें नंबर ते जो महाद्वीप है बेटा ये वो महाद्वीप है जिथे उद्योगिक क्रांति सब तो पहला आई, विकास जो है सब तो पहले होया आ वाला बेटा जी यूरोप महाद्वीप। छेवां सब तो वड्डा महाद्वीप ते लास्ट वाला जो महाद्वीप है वो आप जानते हो चंगी तरह, दुनिया का सत्तवां सब तो वड्डा या दुनिया का सब तो छोटा महाद्वीप आ बेटा जी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो है सब तो छोटा महाद्वीप है, आप देख रहे हो। और नाल दस दिया ये बड़ा जरा कंट्री है ये न्यूजीलैंड कंट्री है। हाँ जी बिल्कुल समुंदर दे विच महासागर दे आ जो कंट्री है ये न्यूजीलैंड बेटा जी। ठीक है बेटा जी। सो अपनी धरती दे ऊपर सात महाद्वीप ने और मेन जड़े ने ये तीन महासागर ने धरती नू बिल्कुल जो विचालों कटन वाली रेखा है असी उसनू बेटा जी भूमध रेखा कहते हाँ। जिस तरह असी भूमध रेखा तो उपर जां थले ध्रुवां वाल पासे जाइए तां तापमान घटदा है। भूमध रेखा दे उपर सूरज दियां किरणां सारा साल सीधियां पैंदियां। ठीक है बेटा जी। सो ये जो है अपना धरती का मॉडल ग्लोब। हुण मैं आप जी नूं मेन मेन जो देश ने उन्हां बारे दसन जा रहा हाँ बेटा जी। आ देखो आपां इंडिया तो शुरू करते हाँ, भारत तो, क्योंकि भारत बारे आप जानते हो चंगी तरह कि भारत के जो साडे गुआंढी देश ने वो किहड़े किहड़े ने। लो जी आप जी दे सामने आ बेटा जी अपना भारत, और ये भारत दे नाल पाकिस्तान, आ वाला जो देश है अफगानिस्तान कि जिन्हां दी सरहद भारत दे नाल लगदी है, पहला पाकिस्तान अफगानिस्तान आ चाइना चीन, चौथे नंबर ते नेपाल, नेपाल अपना भारत का जो गुआंढी देश है, पंजवें नंबर ते बेटा जी आप भूटान है, भूटान भी एक छोटा देश है जिदी सरहद अपने नाल लगती है, और छेवें नंबर ते बेटा जी आ बंगलादेश जिदी सरहद भी अपने नाल लगती है, और जिहड़ा सतवां देश है ये म्यांमार जिन्हों पुराने समय दे विच बर्मा कहा जाता सी। म्यांमार की जिहड़ी सरहद है वह भी अपने नाल लगती है। तो इस तरह बेटा जी सत देश जिहड़े हैगे ने जिन्हां दी सरहद जां सीमा अपने देश दे नाल लगती है। हुण तुहानूं मैं दुनिया की सैर करवाउण जा रहा हाँ। भारत तो आप शुरू होने हाँ, भारत दे उपर बेटा जी नेपाल आ चाइना, होर जे उपर आप जाइए तां मंगोलिया आ वाला कजाकिस्तान, होर उपर चलिए तां
ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਪਾਨ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਪਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟੋਕੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਔਰ ਸੀਰੀਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਹੈ, ਓਮਾਨ, UAE, ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ, ਆ ਯਮਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਆ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹਿਰ ਸੁਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਜਿਪਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਲੀਬੀਆ, ਚੈਡ, ਨਾਈਜ਼ਰ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮਾਲੀ, ਮੋਰੋਕੋ ਆਦਿ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੋਲਾ ਹੈ, ਜਾਂਬੀਆ ਹੈ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਹੈ, ਉਗਾਂਡਾ ਹੈ, ਕੋਂਗੋ, ਜਿੰਬਾਬਵੇ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੋਟਸਵਾਨਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਪੇਨ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈਕਸਲਵਾਕੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਯੂਕਰੇਨ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਟਰਕੀ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਡਮਾਨ ਸਾਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਗੁਆਨਾ, ਐਕਵਾਡੋ, ਪੀਰੂ, ਬੋਲਵੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਚਿਲੀ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।